नागेन्द्रहराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकराय नमः शिवाय। हर हर महादेव। आदरणीय श्री साकेन्द्र प्रताप वर्मा जी, यहाँ से विधायक हमारे प्रत्याशी जी, श्रीमती राजरानी रावत जी अध्यक्ष जिला पंचायत, श्री राकेश सिंह जी पूर्व एमएलसी, श्री अनिल वर्मा जी पूर्व अध्यक्ष, श्री प्रदीप रावत जी, श्री धर्मेंद्र यादव जी ब्लॉक प्रमुख सेंटर, श्री दीपक यादव जी, श्री विनय शुक्ला जी, श्री विशाल सिंह जी, श्री विनय मौर्य जी, श्री अंजू चंद्रा जी, श्री मुनवर वाजपेयी जी। हमारे यहाँ बस एक ही बात की मुझे चिंता रहती है और कई लोगों ने मुझे कहा कि आपने भारतीय जनता पार्टी क्यों ज्वाइन कर ली, क्यों क्यों हम ये छोड़ दी, इसीलिए आए हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने भारतीय जनता पार्टी अभी इस समय चुनाव के वक्त क्यों ज्वाइन कर ली, क्या इसका उद्देश्य था। तो आज मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ और शायद इन्हें दोबारा तिबारा चौबारा कई बार बता सकती हूँ कि जिन लोगों ने इस भारत देश के गौरव और इस भारत को समग्र बनाने का प्रयास किया है वो लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो क्यों नहीं हुए और क्यों हमारे सब लोग जुड़े इस पार्टी से। हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी जितना सोच रखते हैं सबके लिए, उनका जो मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, है कोई और नेता जिन्होंने सारी जातियों के लिए सोचा हो, कभी ये ना देखा हो कि कौन छोटा है कौन बड़ा है कौन पिछड़ा है कौन अंधा है, कभी नहीं, ये हुआ ही नहीं कभी भारत में। तो इसलिए पंजे का इस्तेमाल करना, साइकिल पे चले जाना और वोट जब डालना तो कमर को डाल देना, क्योंकि लक्ष्मी भगवती है ना हमारी देवी, जिसकी दिवाली पे हम लोग पूजा करते हो, ओम लक्ष्मी माता तुम में यज्ञ न हो गए भोजन न कोई खा पाता। तो लक्ष्मी किस पे आती है बैठ करके, किस पे आती है, तो जब कमल पे आती है तो कमल का ही बटन आप लोग दबाइएगा। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन्होंने अपने जो उनका पीछे जो उनके संस्कार चले आ रहे हैं, जो उनकी रीति चली आ रही है, जो उनकी परंपरा चली आ रही है, उनके मठ की उनके अखाड़े की, उसको नहीं छोड़ा पर आगे की भी विकास की योजनाएं और विकास का पहिया आगे बढ़ाते के साथ साथ उन्होंने 29 से भी ज्यादा पॉलिटेक्निक कॉलेजों का और स्वास्थ्य मेडिकल कॉलेजों का निर्माण करा है पूरे प्रदेश में। लोग कहते हैं कौन चाहेगा तुष्टिकरण की जो राजनीति करेगा वो चाहेगा कि योगी जी आए दोबारा मुख्यमंत्री बने, क्योंकि वो विपक्ष 27 तारीख को और उसके बाद जो भी वोट करके आए हैं उसको हमारी माताएं मैंने पूरा तरह से भोजन की व्यवस्था करा देंगे तुष्टिकरण से। हमारे प्रधानमंत्री जी का जिस तरह से महिलाओं के लिए हमारे स्वास्थ्य के लिए, और कहते हैं ना कि वो सिर्फ यहाँ के लिए ही नहीं पूरे भारत में अगर किसी ने विश्व का दर्पण करके कोई छाया है, भारत को कोई आगे ले गया है, भारतीयता को कोई आगे ले गया है, तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। जिस तरह से उन्होंने भारतीयता के चित्रण किया है पूरे विश्व में, कोरोना का टीका लग गया सबको, किसने दिया आपको कोरोना का टीका, और विपक्ष ने क्या कहा आपसे, ये बीजेपी का टीका है, ये मोदी जी का टीका है। अरे भैया मोदी जी का अगर टीका था तो काहे चले गए पहले लगवाने, तो जब बीमार पड़े तो सबसे पहले टीका लगा के सब विपक्षी से और छुप छुप करके लगवा रहे थे, बाद में फोटो वायरल हो रही थी हमारे आदरणीय मीडिया बंधुओं की वजह से। मैं आपसे ये कहूंगी कि स्वास्थ्य के लिए न केवल उत्तर प्रदेश को
योगी जी के दिव्य संकल्पों की वजह से सबसे नंबर वन पर है, क्योंकि मोदी जी का ये कहना था कि सबसे ज्यादा जनसंख्या जिस प्रदेश में है वो उत्तर प्रदेश है, और अगर सबसे ज्यादा यहाँ पर हम लोग टीकाकरण नहीं करेंगे तो देश जो है पिछड़ा हो जाएगा, क्योंकि बीमार लोग काम कर सकते हैं क्या? लोग ये संकल्प लीजिए कि एक महायज्ञ है, इसमें आपकी एक आहुति अपने वोट की देंगे कि नहीं देंगे? तो यूपी में काबा, यूपी में काबा, यूपी में सिर्फ बाबा, यूपी में सिर्फ बाबा। और आपका ये संकल्प मुझे यकीन है ऐसा कि जब यहाँ से आपके साकेन्द्र वर्मा जी जाएंगे और पूर्ण बहुमत की सरकार, देखिए भारतीय जनता पार्टी की बन रही है, इसलिए बटिएगा मत। तुष्टिकरण की जो राजनीति कर रहे हैं, मैं तो कहूँ उनको मुंह तोड़ जवाब दीजिएगा, अगर मुंह तोड़ना भी पड़ जाएगा तो तोड़ दीजिएगा, क्योंकि आज तक सिर्फ जो उन्होंने बांटने का काम किया वो हाथ हिलाने वाले थे ऐसे। हम लोग आज भी कह रहे हैं जय श्री राम, कह रहे कि नहीं कह रहे? तो सब लोग बन जाइए हनुमान, क्योंकि हनुमान ही ऐसे हैं जिन्होंने लड़ाई करी श्री राम की तरफ से, तो हम लड़ेंगे हनुमान की तरह और जीतेंगे श्री राम की तरह। मगर 27 तारीख को मुझे आश्वस्त करिए जाएंगे ना वोट करने। अब तो फिर से कह रही हूँ, अपने पंजे का इस्तेमाल करिएगा, साइकिल से चले जाइएगा और दवा क्या दीजिएगा, कमल का फूल, कमल का फूल मत जाना। जय जय हनुमान जी, जय श्री राम जी, जय भारतीय जनता पार्टी।